हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भी अंशु, तो क्या करोगे? तो अभी बज रहे हैं 4:30 और जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। एक कप चाय पीऊँगी और अभी मैं मेहंदी लगा कर आई थी तो मैंने बाल धो लिया और देख सकते हैं अभी तो बाल लाल ही लाल है, मैरून कलर नहीं आया। वही आधा पीला वाला जो बोतल में लगा के करते हैं स्प्रे, वो जो वो स्टॉक जैसे नहीं आते पीछे से जो वो लोग रखते हैं ना, नाई और नहीं तो स्प्रे वाला तो 30 रुपए का दे रहे हैं। तो कहीं भी नहीं है लंबी वाली पिचकारी। आगे आगे चले गए जब तक ग्रामर रोड के। चलो कल दिखा, कल मैं दिला के लाऊंगी। होली होली कल है ना, तो होली परसों है ना, तो आज इसलिए नहीं रखे होंगे। तो अभी मैं तेल भी लगा ली हूँ बाल धोने के बाद, अब कंघी कर लेती हूँ अच्छे से। ठीक है ना, मेहंदी अच्छे से चढ़ गई। अगली बार लगाऊंगी तो इसमें अंडा मिला कर लगाऊंगी, तो बाल गिर रहे हैं क्योंकि अंडा मिला कर लगाने से ना। तो मैं अगली बार लगाऊंगी ना तो वो क्या कहते हैं अंडा मिला के लगाऊंगी, अंडा मिक्स करके लगाने से ना कलर अच्छा आता है। तो मैंने जैसे 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 लगा लिया है और कंघी भी कर ली। ये वाला की ये वाला कौन वाला? ये देख सकते हैं अभी बाल मेरा ऐसा ही है। तो फ्रेंड तू तंग मत कर बेटा, इकट करते जाएगा ना, कलर निकल जाएगा। तुमसे दूध का पैकेट मंगाई थी तुम वो भी नहीं लाए। अब तुम मना कर दीजिए। नया फ्रिज तो खरीद के आया था क्या? हाँ। क्यों? आप मेरे गए थे। गजब हाल है यार। अमूल का 2 पैकेट लिया बस। एक मेरे लिए का। तीन ले लेना, तीन ले लेना। खटाई भी चुकी है, चटनी पीसने के लिए तैयार है। चलिए मैं बना लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम पे देखती हूँ। आज तो खाना कुछ बनाना नहीं, ऐसे मतलब पकौड़ी बनानी है, कढ़ी चावल तो है धरा हुआ, तो कढ़ी चावल का कोई वो नहीं है। एक बार ही खाया है सुबह से, दोबारा भी कोई खाया ही नहीं, तो बस पकौड़ी बनाऊंगी रात में अभी मैं। और अभी बिल्कुल मार्केट हमारा बिल्कुल शांत हो गया है आज से, कल चहल पहल रहेगी क्योंकि कल यहाँ पर होली नहीं है, परसों मार्केट शांत हो जाएगा क्योंकि हम लोग के यहाँ पे होली, जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था, परसों है बड़ी होली, परसों है, बीच का कल गैप है। तो ये शायद बिहार में ही है, वो भी बिहार में सब जगह हर जगह है या नहीं मुझे नहीं पता पूरे बिहार में, लेकिन हम लोग के इधर ऐसा ही है। आप लोग के यहाँ पे क्या है, कैसा है, कमेंट करके बताइएगा होली कब सेलिब्रेट करें।